ओम शांति। 21-8-2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा, बेहद के ड्रामा को जान करके सदा हर्षित रहना है, नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया है जो मिट्टी हो जानी है, ख़त्म हो जानी है, इसलिए इसे बुद्धि योग तोड़ देना है और एक बाबा को ही याद करना है। तो सुनते हैं मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी, इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल दो। क्वेश्चन, मनुष्यों की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? आंसर है, मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया यह नहीं जानते हैं। तुम उन्हें बतलाते हो कि पांच विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, जहाँ सुख शांति सब होगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता। गीत के बोल हैं, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, ओम शांति। ये किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब जाते हैं तो कोई ना कोई साधु महात्मा आदि गद्दी पर बैठ शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहती। सत्संग से क्या प्राप्ति है यह कोई को पता नहीं है। ऐसे भी नहीं कि गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स ही उनके पास आते हैं, नहीं, जो चाहे जाकर के बैठ जाते हैं। उन सत्संगों में कोई भी जाकर के बैठ जाता है जो चाहता है, फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो। समझते हैं फलाना महात्मा आया है, झट भागते हैं, उसको कहा जाता है सत्संग। महात्मा आदि कोई ना कोई वेद शास्त्र ही बातें, वेद शास्त्र की ही बातें समझाते हैं। वास्तव में सत्य परमात्मा तो एक ही है, बाकी है मनुष्यों का संग। सत्य परमात्मा ही नरसिंह नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। सत्य नारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। अभी तुम जानते हो कि सच्ची सच्ची पूर्णमासी यह है जबकि रात से दिन होता है। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। ग्रहण तो इन सूर्य चांद आदि को लगता है जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाला, उसकी ही महिमा गाते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। यही तो तुम सब बच्चे, हाँ बाबा कहते, यहाँ तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर वालों को अलाउ नहीं किया जाता, वह तो कुछ समझेंगे नहीं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के ही सन्मुख आता हूँ। पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ, पुण्य आत्मा और मंदिर में रहने के लायक बनाता हूँ। वह है पावन दुनिया शिवालय। शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन कौन रहते हैं? देवी देवताएं, जिन्हों के चित्र मंदिरों में रखते हैं। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले यह देवी देवताएं भारत में रहते थे, स्वर्ग में राज्य करते थे। कब राज्य किया, कैसे राज्य पाया ये दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, वह नई दुनिया थी, ये पुरानी दुनिया है। भारतवासी कहते हैं नई दुनिया, नया भारत हो,
वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य हो। आत्मा को बुद्धि में आता है, यहाँ देवी देवताओं का राज्य था, परंतु वह बिचारे जानते नहीं कि यह ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य कब और किसने स्थापन किया। कोई समय तो था जरूर, जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया था। अब तुम किसके संग में बैठे हो, कौन सा महात्मा आया हुआ है? श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे कि भगवानों वाच्य, मैं तुम्हें राज्योग सिखाता हूँ, तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। जानते हो इतनी सारी पुरानी दुनिया मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु शांति कौन स्थापन करता है? पहले तो पूछा जाता है, तुमको अशांत किसने किया? कुछ बता नहीं सकते कि इन पांच विकारों ने ही अशांत किया। भारत में शांति तब थी जबकि पवित्रता थी। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में ही मनुष्य बहुत बहुत सुखी थे। अभी अपवित्र पतित प्रवृत्ति मार्ग हो गया है। निशानियाँ भी हैं, मंदिर में देवताओं की महिमा करते हैं और हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ये मनुष्य गाते हैं परंतु जानते नहीं। जब बाप आते हैं तब बच्चों पर मेहनत करते हैं, बाप आते ही हैं बच्चों के पास। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा है, यह तो देहधारी हैं। तुम्हारी नज़र ऊपर में है, हम शिव बाबा से ही सुनते हैं, किसी देहधारी तरफ दृष्टि नहीं है। कृष्ण भी देहधारी बच्चा है, गर्भ से जन्म लेता है। हर एक आत्मा को अपनी देह है, शिव बाबा को अपनी देह है ही नहीं। नाम तो देह शरीर पर ही पड़ता है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। कहते भी हैं महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। पाप परमात्मा तो कभी नहीं कहा जाता, फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते हैं? वंडरफुल बात है ना, आत्मा परमात्मा दो शब्द कह रहे हैं, फिर भी परमात्मा सर्वव्यापी। तो पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा कहा जाता है? पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा कभी कहा नहीं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे सिद्ध होता है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फिर अपने को परमात्मा कैसे कहला सकते? परम पिता परमात्मा तो एक ही है, वह है सुप्रीम बाप, परम धाम में रहते हैं। तुम कहते हो परम आत्मा सुप्रीम, वह है निराकार, उनको मिलाकर नाम पड़ गया परमात्मा। उनको ही सभी याद करते हैं, नैन हीन को रहा दिखाओ प्रभु, तो बुद्धि ऊपर चली जाती है परम पिता परमात्मा तरफ। जबकि सब राज बताने वाला वह परमात्मा ही है। निर्वाण धाम को मुक्ति धाम कहा जाता है। जो जो आत्माएं पहले पहले आती हैं वो जीवन मुक्त में हैं, पीछे फिर जीवन मुक्ति से जीवन बंध में आती हैं। बच्चे जानते हैं पवित्रता, सुख, शांति है ही सत्युग में। जबकि एक राज्य होता है उनको ही अद्वैत राज्य कहा जाता है, फिर द्वैत राज्य अर्थात डेविल का राज्य होता है। तो पहले एक धर्म था, अभी तो अनेक अनेक धर्म हैं। बच्चे इस सारे सृष्टि चक्र को अच्छी रीति नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, और कहाँ एम ऑब्जेक्ट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि इस झाड़ का बीज रूप परमात्मा ऊपर में है। पहले पहले सत्यु की रचना होती है, फिर सत्यु से त्रेता बनता है,
सारी सृष्टि पुरानी तमो प्रधान बननी ही है। अब तुम पुरानी दुनिया में हो, नई नहीं कहेंगे। नई सृष्टि तो सत्युग थी, कलयुग तो पुरानी सृष्टि है। पुरानी होने में भी टाइम लगता है, एकदम पुरानी नहीं हो जाती, उसमें भी टाइम लगता है। पहले नई थी, अब पुरानी है। भारत में आजकल सब चाहते हैं नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो, देवी देवताओं का राज्य। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ही स्थापन किया था, उस समय दूसरा कोई राज्य हो न सके। हर एक मनुष्य ऑलमाइटी अथॉरिटी की अर्थात ज्ञान सागर हो ही न सके। ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, ये महिमा एक परमात्मा की ही है। वर्षा भी तुमको उनसे ही मिलता है। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, फिर आधा कल्प बाद तुम वह राज्य भाग्य कमाते हो। माया से हार खा लेते हो। मन से हारने की बात नहीं है, मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता है। माया मन को उड़ा देती है। माया भी कहती है, वाह हमारी सेना से कोई कहाँ जा जा सकता है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी जीत लेती है। तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, बाकी ये कोई स्थूल हथियारों की लड़ाई की बात नहीं है। यह तो माया पर जीत पाने की लड़ाई है, बाकी वो लड़ाइयाँ तो चलती आई हैं। पहले तलवारें थी, फिर बंदूकें निकली, अब तो बॉम्ब्स निकले हैं। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। हम सो देवी देवता थे, और सत्संगों में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सो देवता थे, हमने 84 जन्म लिए, अभी हम पतित बन गए हैं, अब फिर पावन बन रहे हैं। तुम भी नैनहीन थे। इन आँखों की बात नहीं है, ये ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। शिव बाबा ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, जिससे हम स्वयं को, परमात्मा को, सत्युगी दैवी सृष्टि को, मूल वतन, सूक्ष्म वतन को, सबको हम जान जाते हैं, अनुभव करते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, ये ज्ञान के चक्षु, दिव्य चक्षु की बात है। आत्मा तो अपने बाप को भूल गई, सन्यासियों ने तो आत्मा सो परमात्मा कह दिया, तो बाप ही आकर तीसरा नेत्र खोलते हैं, फिर देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। जैसे विष्णु को अलंकार दिखाए हैं, वैसे देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, परंतु उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र तो खुलता ही नहीं। सत्युग में अगर ये ज्ञान होता कि हम ऐसे गिरते आएंगे, फिर हम नरकवासी बन जाएंगे, तो राज्य भाग्य की खुशी ही चली जाती। ये नॉलेज अभी नहीं रहती है, नहीं, बाबा कहते ये नॉलेज अभी ही रहती है, सत्युग त्रेता में नहीं होती, अभी ही रहती है। तो तुम मीठे मीठे सिक्की लदे लाडले बच्चे, जानते हो हम बाबा के पास 5000 वर्ष बाद आए हैं, फिर अपना राज्य भाग्य लेने, फिर 5000 वर्ष के बाद हमको आना है। ऐसे ही सृष्टि चक्र चक्कर लगाता रहता है। हर कल्प हम बाबा के पास आते हैं, फिर से अपना राज्य भाग्य लेने, फिर गंवाते हैं और फिर आते हैं। हम ऑलराउंड एक्टर्स हैं। हम सो देवता बने थे, हम सो क्षत्रिय बने, अभी हम सो फिर ब्राह्मण बने हैं। यह ज्ञान किसी को नहीं है। गीता पाठशाला माना, गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला, भगवानुवाच्य है। उन लोगों ने फिर
श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, फिर कृष्ण पर कितनी कलंक लगा दिए हैं। कह देते हैं उनको इतने बच्चे थे, इतनी रानियां चुराई, यहां तो तुम सब आप ही भाग कर आए हो, कोई ने भगाया नहीं। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसी को भगाए तो केस चल जाए। पवित्रता अच्छी लगी, जीवन अच्छा लगा, परमात्मा का मालूम पड़ा, वो परमात्मा अनुभूति हुई, उनसे प्राप्तियों की अनुभूति हुई, तो स्वयं ही भिखारी दुनिया को छोड़ यहाँ बाबा के पास आ गए। बाकी बाबा ने कहा नहीं, किसी ने कहा नहीं, तुम आ जाओ। वो लोग ज्ञान में चलने से, इस ज्ञान को अपनाने से, परमात्मा का बनने से रोकते थे, रोक ठोक करते थे, बहुत सारे बंधन थे, तो उन बंधनों को तोड़ करके बाबा के पास आ गए। ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैयां तोड़ के जी, मैं आए तेरे लिए सारी दुनिया छोड़ के जी, तो सारी पुरानी दुनिया को छोड़ के बाबा के पास आ गए। बाकी बाबा ने नहीं भगाया, कोई नहीं भगाया नहीं। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसी को भगाए तो केस चल जाए। इन्हों का वंडर हुआ, कितने बच्चे आए, भट्टी बननी थी, बूढ़े जवान बच्चे सब वैरायटी भाग करके आ गए। कोई झाड़ की झाड़ भी आए, तो यहाँ की बात है, श्री कृष्ण के साथ लगाकर उल्टा सुल्टा लिख दिया है। अखबारों में बड़ी धूमधाम हुई, अमेरिका के अखबार में भी पढ़ गया कि एक कलकत्ते का जवाहरी कहता है मुझे 16108 रानियाँ चाहिए, अभी 400 तो मिली हैं। तो ये सब खेल है, नथिंग न्यू। बाबा डरता नहीं, निर्भय, पहले भी हुआ था कल्प पहले, आज भी होगा ही, तो घबराने व चिंता करने की बात नहीं, नथिंग न्यू। तो बाबा ने कहा नथिंग न्यू, कल्प बाद फिर भी ऐसा होगा, ऐसे ही तुम्हारी भट्टी बनेगी। तुम देख रहे हो कैसे स्थापना होती है, तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, जीवन मुक्ति दाता को अपना बनाने से सेकंड में तुम वर्षा पाने के हकदार बनते हो। जनक को भी सेकंड में साक्षात्कार हुआ, कहते भी हैं हमको जनक मिसल ज्ञान दो। जनक ने तो त्रेता में राजाई पाई, तो बाबा ने पहले पहले समझाया, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमारे सामने कौन बैठा है, कौन बैठा है, निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के तन में। शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया है, बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव कैसे बैठेंगे, तो फिर शंकर को बिठा दिया है, क्योंकि शिव शंकर को एक कर दिया है, वास्तव में दोनों अलग अलग हैं, शिव बाप है, शंकर बच्चा है, शंकर जी तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी समझते नहीं। गीत में भी सुना ना कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, सब बुद्धिहीन अंधे हैं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, आगे राज्य राजा चलाते थे, कोई बड़ा विकर्म करते थे तो राजा फैसला करते थे, अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो के ऊपर ज्ञान जज, एक दो के ऊपर जज है, वंडर है ना, ये बेहद का नाटक है। तुम यह जानते हो और कोई कह न सके, जो मिसल ये ड्रामा चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है, दुनिया का चक्र फिरता ही रहता है, यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता है, परंतु ये तो ड्रामा है। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर कल्प बाद रिपीट होगा, ड्रामा को समझना है, मनुष्य ही समझेंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, बाबा वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कहते हैं मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, मैं खुद आकर पतित को पावन बनाता हूँ। अभी तुम बाप से शक्ति लेते हो,
तो माया पर जीत पाने के लिए। माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल कंगाल बना दिया, ना हेल्थ ना वेल्थ। अभी तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक बनते हैं, वहाँ तो हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब होगा। परमात्मा को ही कहते हैं कि आकर राह बताओ, रहम करो, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति दो। आत्मा ही पुकारती है, ओ बाबा आकर हमें दुखों से छुड़ाए, स्वर्ग में सुखी बनाओ। गाया भी जाता है, दुख हरता सुख करता। बाप ने सुख दिया फिर उनको स्वर्ग में याद करने की दरकार नहीं रहती, सब बच्चों को सुखी बना देते हैं। आगे 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य दे, खुद वानप्रस्थ चले जाते थे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम सबको माया ने बहुत दुखी किया है, तो अब ले चलने के लिए आया हूँ। निर्वाण धाम व वानप्रस्थ एक ही बात है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे स्थान, स्वीट साइलेंस होम। फिर जाएंगे अपनी स्वीट राजधानी में। अभी तो दुख धाम है। तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते रहते हैं, संपूर्ण तो अंत में ही बनेंगे। कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु व श्री कृष्ण हैं, ये कैसे हो सकता है? ये बातें तो तुम ही समझ सकते हो। स्वदर्शन चक्रधारियों को नशा होना चाहिए। शिव बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, हम संपूर्ण अंत में बनेंगे। इसलिए अलंकार देवताओं को दिए हैं, क्योंकि तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, तुमको अलंकार शोभेंगे ही नहीं। देवताएं हैं संपूर्ण, इसलिए उनको दे दिया है। हमारी अवस्था अप डाउन होती रहती है ब्राह्मणों की, देवताओं की संपूर्ण हैं, इसलिए बाबा ने कहा आपको अलंकार नहीं देते, देवताओं को दिखाए हैं, पर हैं एक्चुअली ब्राह्मणों के अलंकार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुखी सारे हैं, बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। वाणी से परे रह वानप्रस्थ अवस्था में जाना है, वाणी से परे रह वानप्रस्थ अवस्था में जाना है। सेकंड पॉइंट, माया दुश्मन पर जीत पाने के लिए सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेनी है। ज्ञान नैनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है, ज्ञान नैनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है। वरदान, मन को अमन व दमन करने की बजाय सुमन बनाने वाले दोना देशी भाव। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते हैं, प्राणायाम चढ़ाते हैं, मन को अमन करते हैं। आप सबने मन को सिर्फ एक बात की तरफ लगा दिया, बिजी कर दिया, बस मन को दमन नहीं किया, सो मन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है, मन का भटकना बंद हो गया, ठिकाना मिल गया। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए हो, दूरंदेशी विशाल बुद्धि बन गए, इसलिए मेहनत से छूट गए। स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त और खुश नसीब रहते हैं। जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त और खुशनुमा रहते हैं।
अव्यक्त इशारे हैं, पावरफुल मन की निशानी है। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच जाएं। मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ, अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। ओम शांति।